Good morning, students. Today we start our chapter number 1st. Food, where does it come from? So students, in this chapter or in previous videos, we study about sources of food. There are two sources of food which we obtain from. First is from plants and second is from animals. And also we study about the parts of plant which is used to to eat, or animals from which we obtain flesh, meat, eggs and etc. Okay, so students, today in this video we study about food habits of animals. जो आपके animals है उसमें क्या food habit, क्या आदतें हैं खाने की, किस type का खाना animals खाते हैं, ठीक है, ये सब हम आज की video में पढ़ेंगे. Let's start with food habits of animals. Different animals have different feeding habits. जो अलग अलग animals, अलग अलग जानवर होते हैं उनकी जो habit होती है, feeding habit, कुछ खाने की जो आदतें होती हैं वो भी क्या अलग अलग होती है. कुछ क्या है, जैसे कुछ animals plant पे feed करते हैं, कुछ कुछ animals दूसरे animals को feed करते हैं, तो and etc. Based on feeding habits, animal can be divided into 3 groups. अब जो feeding habits है उस पर बेस पे हम ये बता सकते हैं कि जो एनिमल है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है. अब ये 3 ग्रुप कौन कौन से हैं? फर्स्ट हर्बीवोरस, सेकंड कार्निवोरस एंड थर्ड है आपका ओमनीवोरस. तो फर्स्ट हर्बीवोरस, हर्बीवोरस में जो हर्बीवोरस का हर्बी वर्ड है उसका मीनिंग होता है प्लांट एंड वोर का मतलब होता है ईटर. हर्बीवोर का मतलब हो गया प्लांट ईटर, मतलब वो एनिमल जो प्लांट खाते हैं. तो इसकी डेफिनेशन होगी हर्बीवोरस आर दूज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स. अब क्या कह रहे हैं, वो एनिमल जो सिर्फ क्या करते हैं प्लांट को और जो प्लांट के प्रोडक्ट है उनको ईट करते हैं. प्लांट प्रोडक्ट जैसे आपको पता है काफ़ी सारे प्लांट प्रोडक्ट आते हैं, प्लांट सब्जियां वगैरह है, प्लांट से बनी चीज़ें हैं ये सब. तो इसके एग्जाम्पल में कौन कौन से आएंगे हर्बीवोरस में, काऊ, शिप, एलिफेंट, गोट, आपका हॉर्स भी आ सकता है. ये सब क्या हर्बीवोरस है, क्यों, क्योंकि ये क्या है प्लांट को ईट करते हैं या प्लांट से बने प्रोडक्ट्स को ईट करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है आपका कार्निवोरस. कार्निवोरस में जो कार्निवोरस की आपकी टर्म है इसका मीनिंग हो, कार्नि का मतलब होता है मीट या फ्लैश मांस और वोर का मतलब होता है ईटर, मतलब मीट ईटर. सो वी कैन आल्सो से दैट दूज एनिमल विच ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. वो जानवर जो क्या करते हैं दूसरे एनिमल्स के फ्लैश मांस को खाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, कार्निवोरस कहेंगे. कार्निवोरस में क्या होगा, एग्जांपल लायन, टाइगर, ईगल, वल्चर एक्सेट्रा, ये सब किस में आते हैं कार्निवोरस के अंदर आते हैं, ठीक है. अब ये जो कार्निवोरस में भी कुछ है, जैसे आपको पता है कार्नि जो लायन है टाइगर है ये क्या करते हैं अपने शिकार को ढूंढते हैं, उसको मारते हैं और फिर अपना जो ईट है वो फीड करते हैं, अपने आप को फीड करते हैं, ईट करते हैं. लेकिन जो वल्चर होता है, ठीक है, वो वल्चर क्या होता है, गिद्ध, मतलब जो भी है गिद्ध है जो वल्चर है वो क्या करता है जो मरा हुआ एनिमल है उसको खाता है. तो ये भी कह सकते हैं कि जो लायन टाइगर है वो क्या करते हैं अपनी अपने फीड अपने खाने के लिए शिकार करते हैं, लेकिन जो वल्चर है वो पहले क्या मरे हुए जानवर को भी फीड करता है, खाता है, ठीक है. नेक्स्ट है ओमनीवोरस. ओमनीवोरस में ओमनीवोरस का क्या मतलब होगा, ओमनी का मतलब होता है ऑल, वोरस का मतलब ईटर, मतलब ऑल ईटर, मतलब सब कुछ खाते हैं. ओमनीवोरस में क्या होगा, सब कुछ खाता है. अब सब कुछ में क्या प्लांट्स या एनिमल्स ही आएंगे. तो वी कैन आल्सो से दैट दूज एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ठीक है. ओमनीवोरस क्या होंगे, वो जानवर जो क्या खाते हैं प्लांट्स और जो फ्लैश है दूसरे जानवर का, जो दूसरे जानवर का जो मांस है उसे खाते हैं, वो क्या होंगे ओमनीवोरस. तो इसके एग्जांपल क्या हो सकता है, बियर, क्रो, डॉग, आपका ह्यूमन बीइंग भी ओमनीवोरस में आता है. तो ये सारे इसके ओमनीवोरस के एग्जांपल होंगे. तो आप एक बार आप बेसिक्स ले दोबारा से देख लेते हैं. 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया एनिमल्स को उनकी फीडिंग हैबिट के बेसिस पे. फर्स्ट है हर्बीवोरस. हर्बीवोरस दूज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल काउ, शिप, एलिफेंट. सेकेंड है कार्निवोरस. कार्निवोरस आर दूज एनिमल विच ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, एग्जाम्पल लायन, टाइगर, ईगल, वल्चर एक्सेट्रा. थर्ड है
Omnivorous. Omnivorous are those animals that eat both plants and flesh of other animals. Example, bear, crow, dog, etc. ठीक है, ये तो आपका हो गया थ्री. अब और भी कैटेगरीज हैं, जैसे कि स्क्वेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स. तो स्क्वेंजर्स और डिकम्पोजर में क्या आएगा स्टूडेंट्स? स्क्वेंजर डिकम्पोजर में आएगा सम कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस लाइक वल्चर, क्रो, हाइनेज एक्सेट्रा डू नॉट किल एनिमल्स फॉर देयर फूड. दे ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स दैट आर ऑलरेडी डेड. अब क्या कह रहे हैं, कुछ कार्निवोरस और ओमनीवोरस हैं, जैसे कि वल्चर, क्रो, हाइनेज. ये क्या है, जैसे आपका जो क्रो है, कौवा है, वो क्या कहता है, रोटी भी खाता है, प्लांट और एनिमल्स के मांस भी खाता है. ठीक है, ऐसे ही वल्चर, ये सब जो आपका वल्चर है, कार्निवोरस है. ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये एनिमल्स को मारते नहीं हैं अपने खाने के लिए, ये किल नहीं करते, शिकार नहीं करते, लेकिन ये क्या करते हैं, दे ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स दैट आर ऑलरेडी डेड. या क्या करते हैं, जो जानवर पहले से मरा हुआ है, पहले से जो मरा हुआ जानवर है उसके मांस को खाते हैं. ठीक है, सो वी कैन से दैट एनिमल्स दैट कंज्यूम फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्क्वेंजर्स. अब क्या कह रहे हैं, जो एनिमल पहले से मरे हुए जानवर के मांस को खाते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्क्वेंजर्स बोलेंगे. ठीक है, जैसे कि आपका एग्जांपल है क्रो, वल्चर एक्सेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट है, सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन एंड डिस्ट्रॉय डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब क्या कह रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, फीड करते हैं, खाते हैं, या जो डेड मरे प्लांट, जैसे आपके प्लांट की पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ, स्टेम वगैरह, ये सब जो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एनिमल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं. अब क्यों, ये आपको इजीली पता है. डिकम्पोजर क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, मतलब ब्रेक डाउन करते हैं. किसका ब्रेक डाउन कर देगा, जो आपके डेड डिकेइंग मैटर है, डेड डिकेइंग मैटर जो प्लांट का, एनिमल का हो सकता है, उसको क्या करें, डिकम्पोज करेंगे, छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक डाउन करेंगे ताकि वो सोइल में मिक्स हो जाए. ठीक है, अब यही ऑर्गेनिज्म फीड करेंगे या डिस्ट्रॉय करेंगे डेड प्लांट एंड एनिमल को. दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डिकम्पोजर. उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कह रहे हैं, डिकम्पोजर कह रहे हैं. डिकम्पोजर के एग्जांपल होंगे बैक्टीरिया एंड फंगी. ठीक है, सो वी कैन आल्सो से दैट बोथ स्क्वेंजर्स एंड डिकम्पोजर प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन नेचर. जो स्क्वेंजर है, डिकम्पोजर है, नेचर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कैसे प्ले करते हैं, आपको पता है, अगर कोई एनिमल डेड हो गया है तो उसकी बॉडी वैसे ही गिरी रहेगी. अगर डिकम्पोजर हेल्प नहीं करेंगे उसकी बॉडी को ब्रेक डाउन करने में, उसमें से आपको पता है कोई भी चीज़ रोटन होने लग जाती है, डेड बॉडी जो रोटन होने लग जाती है उसमें से काफ़ी सारी बीमारियाँ कोज होती है, उसमें काफ़ी स्मेल आती है, वो काफ़ी बीमारियाँ डिजीज कोज करता है हमारी इन्वायरमेंट के लिए. अगर बैक्टीरिया फंगाई ना हो तो क्या होगा, वो डेड बॉडी डिकम्पोज नहीं होगी. इसलिए जो हमारे स्क्वेंजर्स और डिकम्पोजर है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेचर में, और ये आल्सो हेल्प इन क्लीन आवर इन्वायरमेंट एंड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन. तो ये हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखते हैं और हमारे सराउंडिंग को क्लीन रखते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपका आज का होमवर्क है कि जो पांच आपको दिए गए हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्क्वेंजर, डिकम्पोजर्स, इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल आपको नोट डाउन करने हैं फेयर नोटबुक में. दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. थैंक यू फॉर लिसनिंग.